चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप सुनेंगे। इस वीडियो में मास देखने वाले BCSL 044 के बारे में, जहां आपको वाइवा से रिलेटेड जितने ये जो हमारा कोर्स है वो प्रैक्टिकल कोर्स है, और इसमें से वाइवा के क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, क्योंकि आप लोग के वाइवा चल रहे हैं एंड प्रैक्टिकल के वाइवा चल रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वायर्ड थे कि प्लीज़ BCSL 44 को भी बनाइए। तो ये बेसिकली जो बुक है आपका वो स्टैटिकल का बुक है, स्टैटिक जो टेक्निक्स लैब है उसके ये आपके बुक्स हैं, और आपके ये थ्योरी पेपर भी रह चुके हैं BCS 040। सो इससे रिलेटेड सारे वाइवा के क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करके आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि कितने सारे क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत बार मेरे को टेक्स्ट किया है ग्रुप में, जो आपका हमारा जो प्रैक्टिकल होने वाला है, क्या वाइवा होगा, क्या थ्योरी बेसिस होगा, मतलब जो लैब होता है वो एक्चुअली 2020 के पहले जो होता था हमारा प्रैक्टिकल वो होता था कि आपके स्टडी सेंटर में ही होते थे, और कुछ पेपर क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते थे, और आपको लैपटॉप या जिस बेसिस की पे होते थे क्वेश्चन, जैसे आपके कुछ रिप्रेजेंट करने होते थे आपके टेल मार्क्स वगैरह, सो वो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे प्रोवाइड किया जाते था, एंड जो लिखने वाला चीज़ होता था वो आपको बेसिकली पेपर्स आंसर स्लिप दिए जाते थे, उसमें आपको सॉल्व करना। नाउ डेज आपके टाइम पे क्या होता है कि आपको 2020 से आपका जो प्रैक्टिकल है वो ऑनलाइन कर दिया गया, ऑनलाइन मोड में, जिसमें आपको बोला जाता है कि आपको सारे क्वेश्चंस जो भी हैं आपसे पूछे जाएंगे, वाइवा टाइप को टी टेस्ट और जेड टेस्ट क्या होता है, समराइजेशन क्या होता है, कितने फॉर्मूले होते हैं समराइजेशन में, कितनी किस तरीके से वर्क करता है, तो इसके पूरे स्टेप्स हो। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर, हम देखेंगे। पहले उससे पहले आपको बता दूँ कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें कुछ इस तरीके से होंगे कि आपको कैमरा ऑन करना है, और अपने जितने भी क्वेश्चन होंगे अपने एनरोलमेंट और आईकॉन को शो करना है, एंड देन कि आपको वो जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, और आपको कैमरा ऑन करके आपको सारे आंसर देंगे। डेफिनेटली आप ये काम मत करना या आप गूगल इंस्टॉल कर लोगे, गूगल से चेक कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा करोगे तो वो लोगों को शो हो जाता है और आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे एग्जाम से। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग BCSL 044 के बारे में, जो हमारा स्टैटिकल टेक्निक लैब प्रैक्टिकल का वाइवा क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएंगे कि ये हो सकता है कि स्टैटिकल होता क्या है, ये पूछे, राइट। तो आप लोग इंटरनेट से एक बार चेक कर लेना, और आप लोग को ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे बुक में कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं स्टैटिक लैब के बुक में। तो आपके बेसिकली सेक्शन 5 है, विच इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक एंड स्टैटिकल इंटरफेस। फिर सेक्शन 2 में है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, एनालाइज ऑफ वेरिएंस एंड टाइम सीरीज एनालाइज एंड कंट्रोल चार्ट्स एंड सैम्पलिंग केस स्टडी। सो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। तो बेसिकली क्वेश्चन यही सब पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हिस्टोग्राम क्या होता है। नॉट अ इंस्टाग्राम, इट इज़ अ हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स इनटू द यूजर स्पेसिफाइड रेंजेस। ये होता क्या है कि हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ऑर्गेनाइज करता है डेटा पॉइंट्स को इन ग्रुप और इनटू द यूजर स्पेसिफाइड ऑफ रेंज, राइट। एंड सिमिलर इन अपीयरेंस टू द बार ग्राफ द हिस्टोग्राम कोइंसिडेंस ऑफ द डेटा सीरीज इनटू द एन ईजिली इंटरप्रेटेड विजुअल बाय टेकिंग मेनी डेटा पॉइंट्स एंड ग्रुपिंग देम द लॉजिकल रेंजेस और बीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज दैट, कि व्हाट इज़ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बेसिकली आप बोलोगे कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिस्टोग्राम है क्या, तो आप क्वेश्चन बोलोगे, आंसर बोलोगे, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच इज ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट इनटू द यूजर स्पेसिफाइड रेंज। ओके, इसके दो एक्सिस होते हैं, y-axis और y-axis। सो वाई जो है हमारा वो देन पूछ सकता है कि वाई वी आर यूजिंग हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम इज अ पॉपुलर ग्राफिंग टूल्स
It is used to summarize discrete or continuous data that are measured on interval scales. Okay? It is often used to isolate the major features of distribution of the data in convenience form. Basically, आपसे पूछे कि histogram क्यों use किया जाता है, तो बताना आप लोग कि histogram एक popular graphing tools है, एक तरीके का टूल्स है जो कि समराइज करता है डिस्ट्रिक्ट और कंटिन्यूस डेटा विच जो यूज होता है मेजर ऑन इंटरवल स्केल्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, आइदर इन द ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्मेट में होता है. एक फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो ना कि फ्रीक्वेंसी एक तरीके का इंटरवल का जो होता है ना मार्क्स कैरी करता है. जैसे कि मान लो कि क्लास में थर्ड क्लास है, ठीक है, थर्ड टेबल का नाम है, ठीक है, थर्ड क्लास टेबल का नाम है. एंड उसमें हम लोग को देखना है क्या कि उन 10 साल के बच्चे कितने हैं, 11 साल के बच्चे कितने हैं, 12 साल के बच्चे कितने हैं. अगर मान लो कि 10 साल का जो बच्चा है, मान लो 4-5 है, तो जो 5 होगा ना वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आएगा, राइट. अगर 12 साल के बच्चे हैं और वो 12 साल के बच्चे 7-8 बच्चे हैं 12 साल के, सो वो किस में आएगा, और जो 12-13 होंगे जो बच्चे वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आएगा. अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेशन की. सो स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होता है कि एक तरीके का रैंडम वेरिएबल होता है, सिंपल स्टैटिकल पॉपुलेशन होता है, डेटा सेट होता है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्क्वायर रूट वेरियंस. लाइक डेटा डेरिवेशन एक रैंडम वेरिएबल सिंपल एंड स्टैटिकल पॉपुलेशन होता है जो कि डेटा सेट करता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है एंड स्क्वायर रूट इट विच नेम इज वेरियंस. अब वेरियंस क्या होता है ये भी पूछेगा कि वेरिएंस क्या है, तो आप वेरिएंस भी बताओ कि वेरिएंस एक तरीके का प्रोबेबिलिटी का थ्योरी और स्टैटिक है जो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर डेरिवेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स पॉपुलेशन मीन्स सिंपल मीन, ठीक है. तो एक वेरिएंस एक तरीके का प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिकल है, वेरिएंस है जो कि एक्सपेक्टेशन होता है इसकी कि स्क्वायर डेरिवेशन होगा जो रैंडम वैल्यूज को पॉपुलेट करके मीन या सिंपल मीन में कन्वर्ट करेगा. अब आप बात करेंगे कि मीन और मीन मीडियन मोड क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं. सो मीडियन क्या होता है कि द नंबर विच इज इन मिडिल और द मिडिल वैल्यू विच इज कॉल्ड मिडिल लाइक दिस. इस सारे बीच में इन सब के बीच में 9 मिडिल हो सकता है क्योंकि 6-7 है और इधर 11-18-23 है, तो लाइक ये हमारा मिडिल हो सकता है, इसे आप 11 भी कह सकते हैं, राइट. सो इसमें मिडिल वैल्यू 1 है. अब हम बात करते हैं कि मॉड क्या होता है. मॉड को हम मोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट. एक तरीके का ये कीवर्ड है जो आपको याद करने में हेल्प करेगा. मिडिल का होता है, एक मिडिल होता है जो मिडिल पार्ट का वैल्यू होता है ना, उससे मिडिल कहते हैं. एंड मॉड इज़ व्हाट के मोस्ट जो ज़्यादा बार लिया गया हो, राइट. सो द नंबर दैट अपेयर्स द मोस्ट वैल्यू, मतलब इसमें क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू बार 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 आया है उसे हम मोड कहते हैं. लाइक दिस कि इसमें 7 आपको 3 टाइम्स दिया गया है, तो जब हमने अरेंज किया एक सीक्वेंस में तो हमारा जो 3 है 3 बार आया 7, राइट. मीन्स क्या होते हैं, राइट. मीन्स सब जानते हैं मीन क्या होता है. मीन्स एक एवरेज है, किसी भी वैल्यू का, किसी भी एलिमेंट का एक एवरेज जो हम लोग निकालते हैं ना उसको हम मीन कहते हैं. लाइक दिस कि द टोटल नंबर, द टोटल ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय हाउ नंबर देयर आर, राइट. जो टोटल नंबर होगा ना, टोटल नंबर मान लो इतने सारे नंबर्स दिए होते हैं, है ना. अब इन सबको गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर है. अब इन सबको पहले ऐड कर लो, ऐड करने के बाद 99 आएगा,
और ये जो हमारा निकला था 9, कितने नंबर थे? 9, और उस 99 को 9 से डिवाइड कर दो, 11 आएगा, और जो 11 होगा वो हमारा मीन होगा, लाइक एवरेज को हम मीन कह सकते हैं. ओके, रेंज क्या होता है? रेंज जो होता है ना, हमारा डिफरेंस होता है किसी भी नंबर्स या किसी भी नंबर्स के बीच, जो हमारा स्मॉल और लार्ज का जो डिफरेंस होता है ना, वो चीज़ ये बताता है. तो द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. तो इसमें हमारा जो कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है, उसमें हमको देखना है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन है और सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है. तो हमको तो सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ 23 दिख रहा है, एंड सबसे छोटा 6 है, राइट? और यहाँ इन दोनों को माइनस करके जो पॉइंट हमें मिलता है, जो नंबर हमें गेनअप होती है, वो रेंज होता है, राइट? तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप देख लो मीन के फॉर्मूलाज. सम ऑफ ऑल पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. सम ऑफ नंबर पॉइंट्स मतलब इन सारे का सम, और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स मतलब कितने डेटा हैं उनको, उनके नंबर को उससे डिवाइड कर दो, राइट? अब बीन्स एरे हम देख लें कि बीन्स एरे क्या है. आपसे पूछा कि बीन्स एरे क्या है, तो बीन्स एरे टाइप्स ऑफ एरे विच इज़ इंटरवल्स. आप इसको इंटरवल्स भी कह सकते हो, राइट? इंटरवल्स को ही बीन्स कहते हैं और बीन्स को इंटरवल कहते हैं. तो ग्रुपिंग में जो वैल्यूज़ होते हैं ना, इंटरवल टाइम जो ग्रुपिंग में वैल्यूज़ होते हैं, उनको बीन एरे कहते हैं. छोटे छोटे आंसर्स को आप देना, डेफिनेटली मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. बस हाइपर नहीं होना है. क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप समझो कि क्लास लिमिट है क्या. क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल क्या है कि एक डिफरेंस बिटवीन होता है एक अपर क्लास लिमिट का और एक लोअर क्लास लिमिट का. आप जब BCS 040 पढ़े होंगे तो आपको अपर क्लास और लोअर क्लास का पता होगा कि अपर क्लास किसे कहते हैं और लोअर क्लास किसे कहते हैं. तो क्या होता है कि एक लिमिट होता है, जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन होता है अपर और लोअर के बीच, उसको ये प्रोवाइड करता है. लाइक दिस कि साइज ऑफ अ क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इज 30 एंड 21. एक बार होगा आपको एक सॉरी आपको एक टेबल होगा जिसमें आपको क्लास होगा और क्लास के नंबर्स होंगे और इंटरवल टाइम, राइट? और मतलब इंटरवल का और कब तक मिला, उन दोनों को माइनस करके जो टाइम मिलता है, समझो वही आपका इंटरवल का उतना टाइम आपको दिया गया. मान लो आपको 12:21 में आपको इंटरवल दिया गया, राइट? एंड 12:30 में आपको इंटरवल ऑफ कर दिया गया. तो इन दोनों को माइनस करेंगे जब 30 to 21, सो ये माइनस होने के बाद 9 बचेगा, यानी 9 मिनट्स आपको इंटरवल क्लास मिला. सेकेंड आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि 31 में आपका क्लास ऑफ हुआ. आप इसके अलावा भी आप अपने मन से जो भी ले सकते हैं, जैसे कि 1:30 में आपका क्लास इंटरवल होता है, एंड और ये जो आपका 1:40 है उसमें आपको क्लास को ऑफ कर दिया जाता है जो इंटरवल होता है. तो हम दोनों, इन दोनों के बीच कितने डिफरेंस हुए, तो 10 का डिफरेंस हुआ, और वही आपका इंटरवल क्लास इंटरवल हो जाएगा. रिग्रेशन डेफिनेशन. रिग्रेशन डेफिनेशन इज अ स्टैटिक मेजरमेंट दैट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, यूजुअली वी आर डिनोटेड बाई वाई. सोके, रिग्रेशन का जो डिनोट किया जाता है वो वाई से किया जाता है. एक तरीके का स्टैटिक मेजरमेंट है जो अटैम्प्ट करता है डिटरमाइन स्ट्रेंथ को, जो रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल पे होते हैं. ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? सिंपल सी बात है कि आप लोग क्वेश्चन से ही आंसर आप कन्फर्मली निकाल सकते हो, बट थोड़ी सी माइंड का यूज़ करना होता है. हाइपोथेसिस एक टेस्टिंग है, आप इसे बोल सकते हो कि हाइपोथेसिस इज अ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग विच इज़ यूज इन स्टैटिक इज वे फ्रॉम टू टेस्ट द रिजल्ट ऑफ सर्वे और एक्सपेरिमेंट टू सी यू हैव मीनिंगफुल रिजल्ट. ठीक है, ये एक तरीके का टेस्टिंग है जो कि यूज होता है स्टैटिक में फॉर द वे इन द वे फॉर यू टू द टेस्ट रिजल्ट. मतलब एक टेस्ट करते हो, एक रिजल्ट निकालते हो किसी भी सर्वे का या किसी भी एक्सपेरिमेंट का, एंड यू हैव टू रिजल्ट हैव मीनिंगफुल रिजल्ट जो होता है ना, उसको हाइपोथेसिस
टेस्टिंग कहते हैं। लास्ट एंड नॉट द लेस्ट क्वेश्चन, सैम्पल पॉपुलेशंस। ठीक है, सैम्पल पॉपुलेशन इज द स्पेसिफिक ग्रुप दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम। ओके, एक सैम्पल पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक ग्रुप है दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम, मतलब वो कलेक्शन आप कर सकते हो कि किसी भी ग्रुप से। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप ही है। एंड द साइज ऑफ अ सैम्पल इज ऑलवेज लेस दैन टोटल साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। जो इसका साइज होता है वो सैम्पल का ऑलवेज मतलब छोटा होगा टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन का। इन रिसर्च पॉपुलेशन डज नॉट वे रेफर टू पीपल। ओके, सो यही थे आपके क्वेश्चन, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगी जो कि आपको आपने बना लेने, तो 100% श्योर कि आप अपने आंसर्स को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाओगे। ठीक है, एक्सप्लेन कर पाओगे। एग्जामिनर आपके जो इवेलुएटर होता है वो आपके एक्सप्लेनेशन से खुश हुआ तो 100% श्योर आपको मार्क्स बहुत अच्छे आना। आपने ये देख लेना है कि व्हेन शुड वी टी टेस्ट वर्सेस अ जेड टेस्ट। ओके, चेरी पिकिंग एंड पी पिक हैकिंग एंड सिग्निफाइंग्स ऑफ चेसिंग, ये भी आप लोग को देख लेना है। उसके बाद आपके पास एग्जम्पशन ऑफ नॉर्मलिटी देख लेना है। बस आप लोग के लिए इतना ही क्वेश्चन होगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी बिकॉज कोरोना फिर से बढ़ गया है। सो स्टे सेफ, एंड आपने वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोग को वीडियो समझ में आए। ठीक है, प्लीज़ लाइक करके जाना वीडियो, ताकि और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर वीडियो शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करो कि आपको और कौन से प्रैक्टिकल के पेपर को वाइवा में चेंजेस चाहिए। सो मैं आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, और थैंक्स फॉर BCSL 013 के वीडियोस के लिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा बच्चों के लिए, एंड बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि थैंक यू मैम कि मैंने आपके वीडियोस देखे एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, और जितने भी आपने वीडियोस में क्वेश्चंस कहा था वही सारे क्वेश्चंस आए थे। सो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।